हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। तो आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में काउंट इफ्स का फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने डेटा की ओर चलते हैं। तो आपको यहाँ पे मेरा डेटा दिख रहा होगा। कुछ और समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि काउंट इफ्स होता क्या है। देखिए, काउंट इफ्स किसी भी दो या दो से ज्यादा कंडीशन के मिलने पर उसका टोटल काउंट देता है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए आपके पास तीन कंडीशन है और जहां पे वो तीनों कंडीशन मैच कर रही हैं, तो उसका एग्जैक्ट टोटल काउंट आपको आंसर देगा। मान लीजिए अगर दो कंडीशन मैच कर रही हो, एक नहीं कर रही है, तो आंसर तो आएगा लेकिन वो ठीक नहीं होगा। तो अब मैं आपको अपना डेटा समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फेमस चैनल के नाम रखे हुए हैं, NTV, सब टीवी एंड सोनी टीवी। तो देखिए, ये रिपीट भी हो रहे हैं, ये रिपीट क्यों हो रहे हैं वो आगे देखेंगे। और इसके बाद इनमें आने वाले कुछ फेमस सीरियल्स, तो आप जानते हैं भाभी जी घर पे हैं, चिड़ियाघर, द कपिल शर्मा शो, मैं भी इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके बाद कुछ रंग प्यार के ऐसे भी एक रोमांटिक सीरियल, तो मैं इनमें से काफी सीरियल्स भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। इसके बाद TRP, देखिए TRP मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। देखिए, एक मेथड है जिससे पता चलता है कि कौन सा शो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो अब देखिए, इसके बगल में हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीरियल्स मैच द बिलो क्राइटेरिया। ऐसे कौन से सीरियल्स जो हमारे नीचे के दो क्राइटेरिया पे मैच कर रहे हैं। तो देखिए, क्राइटेरिया वन है हमारा चैनल का नाम सोनी टीवी होना चाहिए, और क्राइटेरिया टू है कि हमारा TRP ग्रेटर देन 1.0 होना चाहिए। तो देखिए, जहां पे भी ये दोनों चीजें मैच करेगी उसका टोटल काउंट हमें चाहिए। देखिए, तो इस वाले बॉक्स में हम काउंट इफ्स का सिंटेक्स लिखेंगे और समझेंगे कैसे होता है। तो चलिए टाइप करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब देखिए, क्राइटेरिया रेंज वन और कॉमा क्राइटेरिया वन। देखिए, क्राइटेरिया रेंज वन डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया में, जो आपका क्राइटेरिया है उसी के बेसिस पे हम क्राइटेरिया रेंज वन सिलेक्ट करेंगे। तो पहले क्राइटेरिया जान लेते हैं। देखिए, क्राइटेरिया रेंज वन हमारा क्या है, सोनी टीवी। तो देखिए, जो सोनी टीवी हमें दिख रहा है वो हमें बगल में जो डेटा है उसके अंदर कहाँ दिख रहा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमें फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी क्राइटेरिया रेंज वन बन गई। इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया वन हमें पता है सोनी टीवी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप डबल कोट के अंदर से लिख भी सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट करने पे G8 लिखा गया। इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, कॉमा क्राइटेरिया टू, यहाँ पे भी क्राइटेरिया रेंज हमारी क्राइटेरिया टू पे डिपेंड करेगा, और क्राइटेरिया टू हमारा है TRP ग्रेटर देन 1.0 है। तो देखिए, हम अपने बगल के डेटा में देखेंगे कि ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो हम ये TRP सिलेक्ट कर लेंगे, हमारी क्राइटेरिया रेंज टू बन जाएगी। इसके बाद कॉमा TRP का सेल सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके, तो देखिए यहाँ पे एंटर मारेंगे और हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, हमारा दो ऐसे चैनल हैं जहाँ पे सोनी टीवी में ग्रेटर देन 1.0 TRP है। तो देखिए, यहाँ पर मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। इसमें मैंने आपको क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट करते हैं सबसे ईजिएस्ट वे से सिखाया है। किसी भी वीडियो पे आप देखें आप, और मेरी इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी काउंट इफ्स कैसे यूज करते हैं। और मेरी एक और बात आप देखें, अगर आपको काउंट इफ नहीं आता है तो कोशिश करें कि पहले आप काउंट इफ सीखें। काउंट इफ्स उसके एक स्टेप आगे का फॉर्मूला है। तो देखिए, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, हमने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करी क्योंकि हमारा क्राइटेरिया सोनी था और ये चैनल हमें यहाँ पे मिल रहा था, तो हमने रेंज सिलेक्ट कर ली। कॉमा, इसके बाद हमने सोनी टीवी सेलेक्ट कर लिया जिसका एड्रेस G8 था। कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज TRP थी हमारी, जो क्राइटेरिया रेंज 2 पे सेलेक्ट करी हमने, और कॉमा हमने TRP सेलेक्ट कर लिया। ओके, ब्रैकेट बंद करके एंटर। अब देखिए, मैंने डाटा वैलिडेशन लगा लिया, अगर मैं इसे चेंज भी करता हूँ तो मेरे पे उसका भी आंसर आ गया है। तो अब आप सीख गई हूँ कि काउंट इफ्स का फॉर्मूला कैसे काम करता है और कितना ईजी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वहीं पे ख़त्म होता है, और मेरे चैनल पे कई सारे व्यूज आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी काफ़ी हो गए, तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी अगर मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
एंड स्टे ट्यून विद मी. बाय बाय, टेक केयर.